हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। फूड ब्लॉग मैंने बोला था नहीं आएगा नेक्स्ट वीक से, लास्ट वीक ऐसा बोला था, लेकिन ठीक है, मेरे पास कुछ आइडिया था नहीं। और लास्ट वीक सुना था ना फूड ब्लॉग, तो एक बहाना है असली, मतलब याद है ना, डायलॉग कमेंट कर देना, वो कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैंने क्या सोचा, क्या करते हैं, मैं गया दुबई मॉल में, अल्बेक यहाँ पे एक ही है, अल्बेक तुमको टाइटल और थंबनेल में दिख गया होगा हम क्या कर रहे हैं, तो मैं इसलिए फिर से बोला नहीं। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा इनके मेन्यू में जितने आइटम्स है उसमें से, तो जो मैं खाता हूँ उसमें से हाफ ऑफ द मेन्यू अराउंड मैंने ऑर्डर कर लिया। मैं बोला अब टेस्ट करते हैं घर चल के, और उसकी निकालते हैं वीडियो, देखते हैं क्या लगता है, तुमको बताते हैं कैसा है टेस्ट। और अल्बेक तो बहुत जगह अवेलेबल है, आई थिंक इंडिया में भी 99+ आउटलेट्स भी है, तो बहुत बढ़िया। अभी मेरे पास क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। और सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 4K करवाने जल्दी, अभी तक 3K नहीं हुए, क्या करें, सब्सक्राइब करो भाई और लाइक कर देना पहले से। तो गाइज़ ये तुमको दिख रहा है, देखो ये 3 थैली है, इसके अंदर सब कुछ है जो भी मैंने ऑर्डर किया है, अराउंड 8-10 चीज़ें हैं जो भी हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ तुमको, निकाल के मैं से दिखा रहा था कि कैसे इन्होंने पैकिंग किया। पैकिंग तो सही लग रहा है, ये ठंडा हो चुका है, वापस गर्म करना पड़ेगा। पहले मैं तुमको सब टेबल पर निकाल के दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो गाइज़ ये 3 चीज़ें अपने पास जो मैंने तुमको अभी दिखाया, अभी सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इसको निकाल लेते हैं भाई बाहर। ये पहली थैली देखेंगे, देखो ये अल्बेक का बहुत बढ़िया ब्रांडिंग है, ये थैली की अंदर मतलब साइड में रख देते हैं उसको। अभी इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले ये है चिकन फिलेट सैंडविच, आई थिंक हाँ वही लग रहा है मुझे, तो इसको रखते हैं इधर। एंड उसके बाद इसके अंदर ये है डबल बेक है, अल्बेक का डबल चिकन बर्गर है, मतलब डबल बेक बोलते हैं इसको। तो ये मैंने 2 मंगाए हैं, मतलब 2 आते हैं कॉम्बो में एक साथ, तो मैंने वो किया है। एंड उसके बाद अपने पास नेक्स्ट ये बन है, ये एक्स्ट्रा है। और उसके बाद सॉसेज हैं बहुत सारी, ये है क्या कॉकटेल सॉस है, तो ये भी रखते हैं इधर, ये अलग से लेना पड़ता है ना, तो उसके मतलब मेन्यू में ये सब भी है। और फिर ये क्या, ये नगेट सॉस है आई थिंक, हाँ नगेट सॉस है। एंड ये भी आई थिंक ये गार्लिक सॉस है, तो ये भी रखते हैं इधर। ये सब ट्राई करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा ये, अच्छा टिश्यू है ओके, ये तेल लगाए, ये भी तेल लगाए। और ये है क्या लिखा है इसको, देखो 10 फिलेट नगेट्स कुछ मील है, तो ये भी बहुत बढ़िया है भाई। और बाकी इसको भी रखते हैं फिर साइड में, बढ़िया। एंड ये एक और बन है, ये एक्स्ट्राज में मैंने बताया, तो क्या लिखा है बर्गर बन, ओके इसको भी रखते हैं इधर। और ये हमूस है, अगर तुमने सुना होगा तो अल्बेक वालों को पता ही होगा यूजुअली, ये भी काफ़ी बढ़िया होता है। एंड इसके बाद ये फिर से ये नगेट सॉस है, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, ये सब निकला है इसमें से। इतना कुछ मैंने ऑर्डर किया है, आई थिंक मज़ा तो आएगा, ये दिख रहा है तुमको टेबल पर, ये सब कुछ ऑर्डर किया है, बढ़िया एकदम। तो अभी इसमें से सब थोड़ा बहुत ट्राई करके देखते हैं और बताते हैं कैसा, पहले गर्म करूँगा मैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी मैंने ये गरम किया है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट चिकन फिलेट नगेट मील, अभी ये खा के देखेंगे कैसा लगता है। ये देख सकते हो तुम, बहुत सही लग रहा है, ये नगेट्स हैं और साथ में फ्राइज है, अभी मैंने गरम करने का, तो भाई जो खुशबू आ रही है मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बढ़िया है, इसको ट्राई करेंगे। अभी अपन सबसे पहले इसके लिए लेकिन सॉस खोलनी पड़ेगी ना, तो इसके साथ जो सबसे इनकी स्पेशल सॉस है ये कॉकटेल सॉस, वो खोलते हैं सबसे पहले। तो ये कॉकटेल सॉस खुल गई है और इसको रखते हैं, एक और सॉस खोल लेते हैं बाद में। एक है ये नगेट सॉस, जो नगेट्स के साथ खाने को ही है, नहीं तो दिखा है तो वही होगा ना, तो ये नगेट सॉस तो मतलब ठीक है, ये मुझे लगा टोमेटो केचप जैसा ही है। एंड उसके बाद अलग क्या है इसमें, हाँ ये रही गार्लिक सॉस, मतलब लहसुन की सॉस, ठीक है ठीक ठीक है, इन सब में चलता है लहसुन, तो ये गार्लिक सॉस भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार सॉस देख लो तुम लोग, ये सॉस कैसी लग रही है, ये देखो ये रही, ये तंदूरी नहीं क्या थी ये जो भी थी, ये कॉकटेल सॉस इनकी जो फेमस, फर्स्ट टाइम मंगाया है। एंड ये नगेट सॉस, ये गार्लिक सॉस, इसके साथ खा रहे हैं हमको ये नगेट, भाई बहुत सही लग रहा है, तो मज़ा आएगा। एंड फ्राइज है, इसका क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें टेस्ट करके, तो अभी देखते हैं पहला नगेट ट्राई करके, इनकी स्पेशल है कॉकटेल सॉस, तो मैं इसके साथ ही करूँगा ट्राई, देखते हैं। तो ये नगेट तो बहुत सही लग रहा है भाई, तो इसको पहले ट्राई करके देखते हैं, थोड़ी सॉस लगाऊं, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है सॉसेज, काफ़ी स्पाइसी है, मतलब जब ऑर्डर किया था स्पाइसी करवाया था, काफ़ी ज़्यादा ही स्पाइसी, आई थिंक अभी तक मैंने जितना भी चिकन खाया ये मोस्ट स्पाइसी है, टेक्सास और KFC से भी ज़्यादा है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
अगर तुमको दिख रहा है ढंग से अंदर से तो बहुत बढ़िया भाई, चिकन का पीस भी। अच्छा एक बार दूसरी सॉस देख लेते हैं, ये दूसरी सॉस, ये जो भी नगेट सॉस है ये ट्राई करके देखते हैं। ये काइंड ऑफ वही टोमेटो केचप जैसा है, मैं बोल रहा था वैसा ही, बट ठीक है तभी बढ़िया है। इसके बाद है थर्ड सॉस, गार्लिक सॉस। ये सब इसके मेन्यू में है, तीन सॉस अलग से। तो अभी ये गार्लिक सॉस देखते हैं। गार्लिक मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं बहुत थोड़ा सा लूँगा। ओ भाई काफ़ी बढ़िया, लेकिन गार्लिक सॉस मेरे टाइप का नहीं है, बहुत ज़्यादा गार्लिक का टेस्ट है जो मुझे इतना नहीं पसंद है। तो भाई ये नगेट तो काफ़ी बढ़िया है, अभी ये बाद में प्राइस भी, प्राइस का तो मैं क्या ही बताऊँ। अब करते हैं दूसरी चीज़ गर्म, इतना सब कुछ है भाई, अभी गर्म गर्म दे देखो सब, बाकी में एक एक कर गर्म गर्म एक एक करके बताएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डबल बेक ट्राई करते हैं, वो करते हैं गर्म फिर दिखाते हैं। चलो भाई तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं जो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बन है, ये हमूस के साथ खाना रहता है, तो ये है ये हमूस, ये भी दिख रहा है तुमको, ये करते हैं ट्राई। और ये डबल ब्रेक मेन चीज़ है, अभी ये भी ट्राई करते हैं। आ जाओ एक बार इसको पहले खोल के देख लेते हैं डबल ब्रेक कैसा है, सब खोल के देख लेते हैं इधर, यहाँ पे आ जाओ देखते हैं। बढ़िया, ये देखो भाई पैकिंग तो काफ़ी बढ़िया है इसकी। एंड बाकी मैंने एक गर्म कर लिया है, रुक जाओ वही दिखा देता हूँ इससे, तो मैंने एक गर्म कर लिया भाई, ये देखो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि वो आज नहीं खा पाया तो वेस्ट ना हो, मैं इसके लिए वो नहीं खोल रहा भाई। ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, अंदर चीज़ भी है फुल ऑन, तो ये बेस्ट थिंग टू ट्राई रहेगा। अभी इसको रखते हैं और हमूस भी देख लो कैसा होता है हमूस। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये अगर मेरे से खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना ठीक है आई थिंक खुल जाएगा। हाँ तो ये होता है हमूस, इसमें ऊपर ऑलिव ऑयल डला है आई थिंक, हाँ आई थिंक वही है, बहुत बढ़िया। एंड ये है बन जो काफ़ी सॉफ्ट है भाई, बहुत बढ़िया बन है, इसको भी खोल लेते हैं, हम उसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको खोलते हैं अभी, खुल जा भाई, ठीक है इधर से नहीं खुलेगा, बस ये थोड़ा स्कैन जरूरी है वरना व्लॉग कैसे बनेगा। ओ भाई बड़ी मेहनत के बाद ये बन खुला है भाई, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन है ये, बहुत बढ़िया। इसको रखते हैं प्लेट में, तो ये ट्राई करना है मेन, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। और बाकी ये साथ में हमूस अगर तुमको दिख रहा है बढ़िया एकदम परफेक्ट, तो सबसे पहले हम ये बन से वही ट्राई करेंगे, छोटा सा बाइट लेंगे ये हमूस का, ये हमूस बहुत बढ़िया रहता है ये वैसे, ये हमूस का एक बाइट लेते हैं बढ़िया सा एकदम। वैसे आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हमूस, इसका तब भी थोड़ा ठीक है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता तो नहीं खाऊंगा मैं वैसे तो। तो इसके बाद इसको तो मतलब ठीक है, फिर मुझे रेटिंग वेटिंग तो दे नहीं रहे, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे वैसे नहीं पसंद इसके लिए। तो भाई नेक्स्ट बारी आती है इस जायंट की, ये देख रहे हो ये जायंट इतना गर्म हो चुका है कि क्या बोलूँ मैं। तो अभी इसको एक मिनट ट्राई करके देखते हैं, इसका भी एक बाइट लेंगे, इसमें डबल चिकन पैटी अंदर वो दिख रहा है ढंग से, तो ट्राई करते हैं एक बाइट लेते हैं भाई, गर्म बहुत है पहले तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। चलो भाई हेवन, मज़ा ही आ गया भाई, चीज़ ऊपर से जो नगेट थे वही टाइप की पैटी है, बढ़िया टेस्ट। एंड मुझे जो बेस्ट सॉस लगी कॉकटेल सॉस वही है इसके अंदर, अलोंग विथ आई थिंक हैलापीनो ये सब है, काफ़ी बढ़िया ये बेस्ट थिंग टू ट्राई। अगर तुम्हारे यहाँ अलबेक है तो पक्का ट्राई करना, डबल बेक बहुत बढ़िया है, उनके मेन्यू में आई थिंक ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे। अभी एक चीज़ बाकी है, इसके बाद वो ट्राई करते हैं तो वो दिखाते हैं उसका। तो इतना तक तो हो गया बढ़िया, अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई। तो गाइस लास्ट चीज़ जो मैंने ऑर्डर किया था उसमें ये चिकन फिलेट सैंडविच है, अभी इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है। मैंने गरम कर लिया, अब किस साइड से खाना है वही नहीं पता चल रहा, लेकिन ठीक है। इसमें मुझे फ्राइज दिख रहा है, ये फ्रेंच फ्राइज दिख रहा है,
अब पता नहीं इसमें क्या क्या भरा है, मुझे पता नहीं, ट्राई करके देखते हैं। एक बाइट ही लूंगा, मेरा पेट भर चुका है क्योंकि मैं पहले सब खा चुका हूँ वैसे, तो एक तो इसको मुझे पकड़ना भी सेट नहीं होगा, वो पूरा नहीं निकालना लेकिन मुझे गर्म करना था तो निकालना पड़ा। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है ये। तो वही है, इनकी सारी चीज में वही नगेट्स ही है। अगर पहले जो नगेट्स का है वही है, बर्गर में भी वही था, मतलब टेस्ट सेम सेम टाइप का ही है। इसमें वही नगेट्स है अंदर और वही बर्गर वाला ही सब भरा है मेरे ख्याल से, तो सेम टेस्ट ही आ रहा है काइंड ऑफ, मुझे ज़्यादा कोई डिफरेंस लगा नहीं। तो वैसे मुझे इन सब में सबसे लीस्ट अच्छा लगा हमूस, और उसके बाद ये मुझे अच्छा नहीं लगा इतना, और बाकी नगेट्स वॉज द बेस्ट इन सब में से, और बर्गर ठीक था। मतलब अब फर्स्ट बाइट पे तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैं खाया तो वही सेफ नगेट्स वाला टेस्ट आया, तो इट वॉज गुड बट ठीक है। मैं इसको KFC या टेक्सस से आगे तो नहीं रखूँगा, मेरे लिए वही रहेगा अभी टॉप पे। अगर कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते हो, KFC टेक्सस बर्गर मैकडोनल्ड्स और हार्डिस किया तुमने शायद, तो वो वीडियो पर आई कार्ड पे भी लिंक आ रहा होगा, इधर इधर कहीं देख लेना। और बाकी इसको तो मैं नहीं रखूँगा, KFC टेक्सस के आसपास तो नहीं है भाई। ठीक है, बाकी बढ़िया है, अच्छा था, डिसेंट था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट थर्सडे कुछ ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ भाई, निकलता हूँ घर से फ्राइडे, टेंशन ना लो, बहुत हो गया फूड ब्लॉग, 3 हफ्ते से फूड ब्लॉग। ऐसे तुम कमेंट करने वाले हो तो कर देना कमेंट, कुछ तो करना है वीडियो का जो बेस्ट पार्ट है वो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर अभी निकलना भी है ना, बाय।